तो और मेरे भाई लोग कैसे होते हो, फिर से बोल चुका हूँ आप लोगों के लिए बीजीएमआई की और भी एक कमाल गुड लगकर। अब भाई कुछ दिनों से मैं अपने कमेंट बॉक्स में एक ही चीज ज्यादा नोटिस कर रहा हूँ, वो है भाई जॉयस्टिक स्टक प्रॉब्लम। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं करने क्या वाला हूँ, इस वीडियो में भाई सब जॉयस्टिक से रिलेटेड जितने भी सारे प्रॉब्लम है सारे के सारे प्रॉब्लम मैं भाई फिक्स करने वाला हूँ। अगर आपके साथ भाई किसी भी प्रकार का जॉयस्टिक का प्रॉब्लम है तब भाई इस वीडियो को आप लोगों को पूरा का पूरा देखना है, और अगर भाई साहब आपके साथ जॉयस्टिक का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तभी भी भाई इस वीडियो को आप लोगों को पूरा का पूरा देखना है, क्योंकि भाई इस वीडियो में मैं भाई जॉयस्टिक साइज पोजीशन के बारे में बताने वाला हूँ, ताकि भाई आप ज्यादा से ज्यादा हेडशॉट कनेक्ट कर पाओ। तो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए। तो सारे भाई मिलकर फटाफट से वीडियो में एक एक लाइक कर देना, 1.5 के लाइक आप लोगों को कंप्लीट करवाना है। तो सबसे पहले व्हाट इज जॉयस्टिक स्टक, जॉयस्टिक स्टक होता क्या है, ठीक है। तो नंबर वन आप भाई इस वाले क्लिप को सबसे पहले देख लो। यहाँ पे मैं भाई बंदे को थोड़ा सा डैमेज देके कवर में आने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पे भाई साहब आप देख सकते हो मेरा स्क्रीन भाई पागलों की तरह हरकत करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे सीन क्या होता है, जैसे मैं भाई जॉयस्टिक को टच करता हूँ ना भाई, मेरा जॉयस्टिक यहाँ पे पूरी तरीके से लॉक हो जाता है। जॉयस्टिक स्टक का भाई ये गया हमारा पहला एग्जांपल। अब भाई दूसरा एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब भाई साहब आप खतरनाक पैनिक सिचुएशन में आ जाओगे ना, तब भाई आपका जॉयस्टिक कुछ इस तरीके से अपने आप ही काम करने लग जाएगा। अब भाई मानो के सामने कवर के पीछे से बंदा आ रहा है, तो आपको भाई भागना है राइट की तरफ, ठीक है। लेकिन जब भाई आपका जॉयस्टिक स्टक का प्रॉब्लम होगा ना, तब भाई आपके साथ कुछ ऐसा सीन होने वाला है। जॉयस्टिक को भाई आप राइट की तरफ खींचोगे, लेकिन भाई आपका पूरा स्क्रीन ही भाई यहां पे राइट की तरफ घूम जाएगा। तो अब भाई बात करते हैं व्हाई डज द जॉयस्टिक स्टक, भाई जॉयस्टिक स्टक किस तरीके से होता है, एंड इस वाले मतलब यहां पे मैं आप लोगों को सारा का सारा सलूशन भी बताने वाला हूं। अभी तक अगर आपने भाई वीडियो को लाइक नहीं किया ना भाई, मुझे पता है आप आगे चल के कर दोगे, क्योंकि भाई जॉयस्टिक स्टक जो प्रॉब्लम है ना, उसका भाई कुछ ऐसा सीक्रेट मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि भाई अभी तक आप लोगों को किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा। अब भाई हमारा सबसे पहला पॉइंट होने वाला है पसीना। अब भाई आप बोलोगे कि भाई तू पागल वागल हो गया क्या, क्या पॉइंट बता रहा है ये? आपने भाई साहब एक चीज तो जरूर से नोटिस करा होगा कि जब भाई आपका हाथ पसीनों से गीला हो जाता है, तब भाई आपका जॉयस्टिक स्टक हो जाता है। ये चीज भाई किस तरीके से होता है मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। हम लोग भाई कुछ इस तरीके से भाई लेफ्ट राइट करते हैं जॉयस्टिक को, लेकिन भाई साहब ये जो पार्ट है ना, ये जाके भाई टच होता है हमारे स्क्रीन पे, ठीक है, तब जाके हमारा जॉयस्टिक स्टक हो जाता है। तो इस चीज के लिए मैं भाई लोग आप लोगों को हमेशा सजेस्ट करूंगा मार्केट में मिलने वाले कुछ फिंगर स्लिप। और अगर भाई साहब आप फिंगर स्लिप यूज करते हो ना, तब भाई थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का फिंगर स्लिप यूज करने की कोशिश करो, क्योंकि भाई फिंगर स्लिप की वजह से भी कभी कभार भाई टच का प्रॉब्लम हो जाता है। या फिर भाई साहब आप यूज कर सकते हो मार्केट में मिलने वाले कुछ इस तरीके का मिनी फैन, ठीक है। अब इस चीज का फायदा बहुत ही ज्यादा है, आपका डिवाइस हीट नहीं होता, आपका हाथ पसीना नहीं होता, मतलब बहुत ही ज्यादा फायदा है। और खेलते वक्त भाई आप एक चीज नोटिस करना कि थंब के अलावा आपके हाथ का कोई भाई दूसरा पार्ट स्क्रीन पे टच होना नहीं चाहिए। अब भाई साहब नंबर टू जॉयस्टिक साइज। जी हाँ भाई, जॉयस्टिक साइज भी बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। अगर आप सोचते हो कि भाई हम लोग तो लेआउट वन यूज करते हैं और लेआउट वन में तो भाई साइज मैटर नहीं करता, तो देखो भाई लेआउट वन हो या फिर भाई थ्री, ठीक है, साइज बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। किस तरीके से मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो यहाँ से भाई साहब आप लोगों को वीडियो को अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है, एकदम भाई अच्छी तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो भाई साहब, ये हमारा दो जॉयस्टिक है, ठीक है, एक छोटा है एक बड़ा जॉयस्टिक है। तो हमारा जो पहला जॉयस्टिक है वो भाई बड़ा जॉयस्टिक है, ठीक है, और इसको खींच के भाई सामने की तरफ लेके जाने के लिए भाई हमको थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, जैसा कि भाई आप यहाँ पे देख सकते हो। इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन भाई थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन भाई साहब हमारा जो छोटा जॉयस्टिक है ना, उसमें भाई ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। जैसे भाई आपका उंगली टच हो जाएगा ना थोड़ा सा, बस आपका मतलब कैरेक्टर आगे भागने लग जाएगा। वैसे ही देखो भाई साहब, हम लोग कभी भी जॉयस्टिक को कुछ इस तरीके से एकदम स्ट्रेट मतलब सीधा खींच नहीं पाते, ठीक है, थोड़ा सा भाई ऊपर नीचे होता ही है। अगर आप स्मॉल जॉयस्टिक यूज करते हो और अगर आपका भाई उंगली सीधा नहीं चलता, तब भाई आपका जिगल कुछ इस तरीके का होगा, जो कि भाई जिगल के नाम पे कलंक है। तो हमेशा भाई साहब आपका जॉयस्टिक का साइज परफेक्ट होना चाहिए। जॉयस्टिक का साइज मैं लोग आप लोगों को रिकमेंड करूंगा 120 या फिर 30 के आसपास रखो, ठीक है। अगर भाई आपका अंगूठा थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा बड़ा रख सकते हो, और अगर मतलब छोटा है तो थोड़ा सा भाई आप छोटा कर सकते हो, ताकि भाई आप एक परफेक्ट जिगल दे पाओ। अब भाई बात करते हैं हमारा सीधा आखिरी पॉइंट पे, ठीक है, जो कि होने वाला है थर्ड लेआउट। तो सबसे पहले भाई साहब आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को चले जाना है बीजीएमआई के सेटिंग में, ठीक है, कुछ इस तरीके से भाई आप लोगों को सेटिंग में चले जाना है। और आप लोगों को एक चीज मतलब यहाँ पे चेक करना है कि कहीं भाई आप थर्ड लेआउट पे तो नहीं खेल रहे हो। देखो काफी सारे बिगिनर्स को इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं होता और वो लोग भाई थर्ड लेआउट पे खेलते हैं। तो देखो अगर भाई साहब आप थर्ड लेआउट पे खेल रहे हो, तब भाई आप लोगों को जॉयस्टिक का साइज जो है वो भाई थोड़ा सा बड़ा रखना है। अगर भाई साहब आप थर्ड लेआउट पे खेल रहे हो ना, या फिर भाई प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तब भाई बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हो ना, तब भाई जाके आज ही करो, ठीक है, क्योंकि भाई मैंने एक चीज रियलाइज करा कि भाई थर्ड लेआउट में ना हेडशॉट ज्यादा चिपकता है। अब भाई पता नहीं कैसे, लेकिन भाई चिपकता है ज्यादा। तो ये जो भाई साहब जॉयस्टिक स्टक है, इस चीज का भाई ड्रिल क्या होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को थर्ड लेआउट पे जाना है, अपना कंट्रोल जो है उसे भाई सेट करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को जॉयस्टिक को मतलब मैंने तो आप लोगों को बता दिया कि क्या साइज भाई आप लोगों को रखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को भर भर के भाई साहब टीडीएम खेलना है। अब देखो टीडीएम में भाई साहब क्लोज रेंज फाइट बहुत ही ज्यादा होता है, तो अगर भाई आप लोगों को थर्ड डे आउट का आदत लगना है ना, तब भाई आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा टीडीएम खेलना है। और आखिरी एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को एक चीज चेक करना है कि
कहीं भाई आप सस्ता टेम्पर ग्लास तो यूज नहीं कर रहे हो, क्योंकि भाई सस्ता टेम्पर ग्लास की वजह से भी भाई कभी कभार टच का प्रॉब्लम होता है और उस वजह से भाई जॉयस्टिक स्टक हो जाता है। इस वीडियो में जो भी सारी चीज मैंने आप लोगों को बताया ना, अगर ये सारी की सारी चीज आप सुधार लेते हो ना भाई, आगे चल के आपका जॉयस्टिक का प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा। बाकी कैसी लगी ये वाला वीडियो प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना। और अभी तक अगर इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो नहीं किए हो तो ये रहा भाई इंस्टाग्राम आईडी, फटाफट से जाओ। और अगर आपके मतलब मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो भाई वहां पे जाके पूछ सकते हो। और इसी तरीके से भाई सब और भी टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर से कर देना, साथ साथ जो भी बेल नोटिफिकेशन है उसको भाई ऑल पे कर देना, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।